सोनू फोटो ड्रामा का भात भरने के लिए भगवान स्वयं मेरे गोविंद गए हैं। ऐसे भक्त हम क्यों नहीं बने जो भगवान हमारा भात भरने आए। सुखदेव जी के राजन महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी महापराक्रमी राजा वे अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या के राजा होने के नाते तीन विवाह हुए लेकिन तीन विवाह के बाद निसंतान है, कोई संतान नहीं है। राजा संतान के लिए सोचते हैं। गुरु वसुदेव ने कहा आप पुत्र काष्ठ यज्ञ कीजिए तो आपके संतान होगी। राजा ने पुत्र काष्ठ यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से खीर का चरू लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने राजा को यह चरू दे दिया और कहा बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग केकी सुमित्रा को तीनों रानियों को बांट दिया और तीनों रामनी गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या दलहन की तरह सजती है। कहते हैं नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित है पीता। नौमी तिथि है भगवान श्री राम का अवतार। संग चक्र सकेत कुंडल सपीत वस्त्र शरीर सूक्ष्म साराक्ष स्थल गौतम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुज। भगवान विष्णु का रूप है मेरे गोविंद मेरे प्रभु भगवान विष्णु चार भुजा वाले शंख चक्र हाथ में लिए। मैया ने कहा बेटा बन के आए बाप। भगवान बोले मैया मेरे से आप बेटा कहो मैं आपसे मैया कहूंगा सो हो गया आपका बेटा। ये बेटा ऐसा होता है कि इतना बड़ा चार चार हाथ अस्त्र शस्त्र संसार के लोग क्या कहेंगे। आप तो हाथों को अस्त्र शस्त्रों को हटाइए और इन्हें दोनों हाथों को हटाइए। भगवान ने कहा मैया कहो बेटा नहीं। इसीलिए तो कहा है कौशल्या हितकारी माता कौशल्या को ही पता है भगवान का। भगवान ने दो हाथ हटा दिए। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती माता, कभी कहती हो हाथ हटाओ कभी कहती है छोटे हो जाओ कभी अभी कहती है नंगे हो जाओ नंगे काहे के हो जावे। कहते माता पल बोली सुमत डोली तजह ताज रूपा की जय सुश्रीला अद्भुत शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान नंगे हो गए। देखो बालक कितना भी बड़ा हो माता पिता के सामने नंगा ही है। अब तो मैया बोली आप भी बेटा नहीं कहोगे कि रोइए सुन बचन सुजाना रोदन उठाना कोई बालक स्वरूपा यह चरित्र जगावे हर भर पावे परवर। भगवान रोने लगे और जैसे गोविंद रोए हैं अब तो सबको अब मालूम पड़ गया कि लाला हो गया।